नमस्कार दोस्तों, हमारे बुज़ुर्गों को पैरों में स्वेलिंग की समस्या, पैरों में सूजन की समस्या आम तौर पे हो ही जाती है। तो आज मैं आपको फुट स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पैरों में स्वेलिंग, पैरों में सूजन आना बहुत ही आम सा एक लक्षण है। ये लक्षण अलग अलग बीमारियों के कारण आता है और हमारे बुज़ुर्गों को बिना किसी बीमारी के भी ये होता है। इसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन एक आम कारण है कि जो हमारी वेंस होती हैं, जो हमारी नसें होती हैं, उनके अंदर जो वॉल्व्स होती हैं जिससे खून ऊपर की ओर जाता है और हमारे हार्ट तक आता है, वो वॉल्व्स एज के दौरान, ओल्ड एज में ढीली पड़ जाती हैं और जिसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन, खून का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता और इसी के कारण फुट में स्वेलिंग आ जाती है, पैर सूज जाते हैं। अमूमन जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं या अमूमन जब आप लंबे समय तक चलते हैं या लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो पैरों में सूजन आ जाती है। खासकर अगर आपकी उम्र लगभग 55 साल से ज़्यादा है तो ये समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। 60-65 में ज़्यादा हो जाती है, 70-75 में और ज़्यादा हो जाती है और 80 क्रॉस करते ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस सूजन को देखने के लिए जब आप पैर में उंगली से दबाएंगे तो उंगली का निशान बन जाएगा और उंगली का निशान बन जाता है तो मतलब आपके पैरों में स्वेलिंग है, सूजन है। अब इसे कैसे ठीक करें? तो अगर आप बुज़ुर्ग हैं, आपकी उम्र 55 से ज़्यादा है, या अगर आप बुज़ुर्ग नहीं हैं लेकिन फिर भी आपको अमूमन पैर में स्वेलिंग आ जाती है तो आप इस कॉम्बिनेशन का, जो मैं होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन आगे बताने जा रहा हूँ, उसका उपयोग करें। फुट स्वेलिंग कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है। मैं अपनी क्लिनिक में लगभग 5 साल से बुज़ुर्गों को और ख़ासकर उनको जिनकी पैरों में स्वेलिंग रहती है उनको दे रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी मेडिसिन है सबसे पहले हम ये जानते हैं, उसके बाद मैं इसको बनाने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद इसको यूज़ करने का तरीका बताऊंगा, लास्ट बताऊंगा ये आपको कहाँ पर मिलेगा और कितनी लगभग प्राइस हो सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई है, मिली हुई है। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है सॉलिड एगो। दोस्तों, सॉलिड एगो जो यूरिन फ्लो है उसको बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। तो इसको लेने से पेशाब ज़्यादा होती है और जिससे आपकी स्वेलिंग जो है वो धीरे 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 पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। साथ ही साथ इसको लेने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है जिसके कारण जो धीरे 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 स्वेलिंग है वो ठीक हो जाती है। सॉलिड एगो मदर टिंचर यूरिन फ्लो को बढ़ाती है। दूसरी मेडिसिन है पुनर्नवा मदर टिंचर। दोस्तों, पुनर्नवा मदर टिंचर या पुनर्नवा आदिकाल से आयुर्वेदा में, होम्योपैथी में यूज़ की जाती है स्वेलिंग को ठीक करने के लिए। हर तरह की सूजन को ठीक करती है, खासकर पैरों में अगर सूजन है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर आपको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ भी है और साथ में पैरों में स्वेलिंग भी है तो आप पुनर्नवा ज़रूर यूज़ करें। तो नॉर्मली ये जो सूजन है उसको ये कम करती है और धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर देती है। तो पुनर्नवा मदर टिंचर इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करें। तीसरी मेडिसिन है अर्टिका यूरेनस। अर्टिका यूरेनस किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करती है और साथ ही साथ यूरिन फ्लो को बढ़ाती है, साथ ही साथ ये स्वेलिंग को कम करती है, साथ ही साथ अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसे भी कम करती है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है पैरों की स्वेलिंग के लिए अर्टिका यूरेनस। तो आपको ये तीनों मेडिसिन होम्योपैथिक शॉप से लाना है, WSI की, SPL की, पैक्ड लेके आइएगा 30 ml की फाइल में। साथ में आप एक 100 ml की खाली सीसी भी उसी होम्योपैथिक शॉप से, ऑनलाइन शॉप से आप 100 ml की खाली सीसी ज़रूर मंगाइएगा। अब आपको क्या करना है, कैसे बनाना है ये फूड स्वेलिंग कॉम्बिनेशन? तो सिंपली आपको ये तीनों मेडिसिन बराबर मात्रा में मिलानी है। तो 30 ml आप अर्टिका यूरेनस मदर टिंचर मिला दीजिए, 30 ml आप सॉलिड एगो मदर टिंचर मिला दीजिए और 30 ml आप पुनर्नवा मदर टिंचर मिला दीजिए। तीनों को आप बराबर मात्रा में मिलाने के बाद अच्छे से इसे हिला लीजिए। ये बन गया आपका फूड स्वेलिंग कॉम्बिनेशन।
बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है इडीमा के लिए, स्वेलिंग के लिए, अगर पैरों में सूजन आती है उसके लिए। हालांकि ये अगर आपके चेहरे पर भी सूजन है तब भी इसे भी ठीक करेगी। तो सूजन हो तो इस कॉम्बिनेशन का उपयोग ज़रूर करें। अब इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले आप एक कप लीजिएगा जिसमें चाय पीते हैं, उसमें लगभग 1/4 कप पानी डालिए और उसमें ये कॉम्बिनेशन 20 बूंद डाल दीजिए। डालने के बाद वो पानी को आप पी लीजिए। ऐसा आप दिन में 3 बार दोहराइए, मतलब 20 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार आपको लेना है। ये मेडिसिन लगातार आप यूज़ करें लगभग 15 दिन तक, आपको ज़रूर आराम लगेगा। अगर आराम लगे तो इसे 1 से 1.5 महीने कंटिन्यू करें और आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। ये मेडिसिन आपको आराम से होम्योपैथिक शॉप में मिलेगी या ऑनलाइन तो मिल ही जाएगी, और साथ ही साथ बहुत ही सस्ती मिलेगी। लगभग मान लीजिए कि अगर आप 30 ml फाइल में लेते हैं, 3 मेडिसिन अलग अलग लेते हैं, तो 100 रुपये की एक 300 रुपये का 100 ml फाइल मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि आप 100 ml पूरा यूज़ कर पाएंगे, मुझे लगता है कि आप लगभग 30-50 ml में ही आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। खासकर अगर आप बुज़ुर्ग हैं और पैरों में सूजन की समस्या होती है तो मेरी ज़रूर आप गुजारिश सुनिएगा और एक बार ये मेडिसिन ज़रूर लेके देखिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है लास्ट तक तो ज़रूर ये मेडिसिन लेके देखिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है लास्ट तक तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। आशा करता हूँ कि आप बेल आइकन भी दबाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इसे वीडियो शेयर भी करेंगे। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड। साथ ही साथ मेरी लाइव क्लिनिक आती है रात में 10 से लेकर 11 बजे के बीच में, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको लाइव ही आंसर देता हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।